शादी की सजावट हुई हुई है, मायों मेहंदी का फंक्शन है और देखो हम आ गए। पता नहीं किसका स्टेज सजा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आयत आ गई। डेली का काम है, वहाँ स्कूल से वापस आते ही आइसक्रीम लेने का। आइसक्रीम को ना प्लेट में डालो, पिघल ना जाए। चले एक दिन मैं स्कूल लेने गई हूँ स्कूल से ना, तो कहती वहाँ वापसी पे आइसक्रीम आइसक्रीम, पापा तो आइसक्रीम लेके देते हैं। चलो अंदर चलो। प्लेट चाहिए, ये लो। बस चलो अब आराम से बैठ के खाना, आ जाओ आराम से बैठ के खाओ। आज दिन कैसा रहा आयत का? बहुत अच्छी। मैंने इसको देखा था न्यू टीचर को। न्यू टीचर? न्यू टीचर जिसके बाल बहुत लंबे थे। बाल क्या थे उसके? लंबे लंबे बाल थे न्यू टीचर के। अच्छा न्यू बोल टीचर असली थे? हाँ, मिकी माउस टीचर नहीं। अच्छा टीचर का नाम क्या है? क्लास नहीं है, क्लास क्लास नहीं है उनकी, क्लास नहीं। आपकी इंग्लिश को सब मिस कर रहे हैं। मम्मा मुझे कपड़े चेंज करो। आजो कपड़े चेंज करें मम्मा, आजो आए थे इधर, आजो 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 आजो। लंच बॉक्स खत्म किए इसने? देखने दो आयत, लंच बॉक्स खत्म किया? ओ बचा किया यू आयत, आप तो इतना सारा बचा हुआ है। घर भी मिल गया। हाँ घर भी मिल गया। मिल गया, ये घर के पेपर है, वेरिफिकेशन है। हाँ, चलो शुक्र है। कितने रूम जगह पे मिला है? और मिला भी बहुत अच्छा है। कितने रूम? उसमें अभी तक रिहायश नहीं हुआ, न्यू बना हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई है। हाँ सब चीजें बन, दो रूम है, एक टीवी लाउंज है। तो सही मिल गया, एक किचन है। अच्छा उन दोनों कमरों के बीच में ना बात है। अच्छा मतलब एक ही वॉशरूम है? एक वॉशरूम, एक दोनों को अटैच हो रहा है। और आप वो लोकेशन देखेंगे ना आपको बहुत प्यारी लगेगी। कौन सी साइड पर है प्यारी? हरी भरी जगह है, बहुत जबरदस्त जगह है। अच्छा उसकी बैक साइड का दरवाजा भी खुलता है, पीछे बैक साइड पे ग्राउंड फ्लोर है। अच्छा ग्राउंड फ्लोर है, सामने आप सब्जी लगवा लो कुछ लगा लो, बाहर कुर्सियां निकाल के बैठ जाओ। गार्डन है ऐसे ऐसे बना हुआ, दरवाजा खुलता है पीछे पूरे प्लाट खाली। अच्छा फिर तो खुला माहौल वाला मिल गया ना। हाँ तो चाबियां भी ले आयो घर की। ये क्या दो दो चाबी इतनी सारी? तीन तीन है ना। तो गाइज ये देखो अपने घर की, इनको आज चाबियां मिल गई हैं। फाइनली इन्होंने अपनी दूसरी वाइफ के लिए घर ढूंढ लिए, मिल गया फाइनली। तो अभी हो गया है दोपहर के खाने का टाइम, और मुस्तफा तैयबा जब आएंगे उनके लिए फिर अलग से बनेगा। ये है कल वाली हमारी सब्जी जो मैंने बनाई थी, पालक पनीर। आ जाओ आया सीढ़ियों के बैठो। किरायेदार के कवायफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से है। जैसे स्कूल से वापस है, उनको खाना वाना खिला के पूरा पूरा टाइम होता है, आधा घंटा रेस्ट करते हैं, और उसमें जल्दी जल्दी मुझे ना इनको चेंज वेंज करा के खाना वाना खिला के भेजना होता है ट्यूशन, ट्यूशन भेजा, ब्लॉग थोड़ा बहुत एडिटिंग रहती थी वही की, और अब हम जा रहे हैं। ताहिरा सिस्टर को मैंने बोला था यहाँ पे मीटअप का, सब वही करेंगी, लोकेशन देखना। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड को घर भी मिल गया है अपनी दूसरी वाइफ के लिए, तो हाँ अब आपको वो भी देखने को मिलेगी। पहले ना बहुत सारी ऐसे बातें होती थी, एक ही घर में होते थे तो बहुत मसले मसाइल होते थे, दो वाइफ एक घर में रहना ना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब देखो उसका घर अलग होगा, मेरा घर अलग होगा, हम खुशी से एक दूसरे के पास आएंगे भी जाएंगे भी, तो वो एक अच्छा रहेगा। अलग अलग घर होता है ना तो वो सब ठीक रहता है, एक साथ घर में ना बहुत सारी फिर बातें होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, बातें बढ़ जाती है, तो ये खैर अच्छा सोचा है मेरे हस्बैंड ने। जो मैंने मीटअप रखना है इस्लामाबाद के लिए, वो इंशाल्लाह डेट सब कुछ फाइनल करूंगी, दिन टाइम सब बताऊंगी, पहले जाते हैं लोकेशन देखकर आते हैं, और टाइम निकल रहा है, टाइम बहुत कम है। फोन आ रहा है मेरे हस्बैंड का, फोन पे फोन किए जा रहे हैं, मैं बहुत लेट कर देती हूँ। बैठे लगता है नीचे ही, इधर से बैठ के आप फोन कर रहे थे। आ गई हूँ बस, चलो मुझे लगा शायद बाहर गाड़ी में बैठे हो। चले साइड पर, अम्मी क्या काम कर रही है? मैं हाँ। ये चावल साफ कर रही हूँ, अगर खाओ तो बताना, नहीं तो मैं ऐसे साफ करके रख लूंगी। अच्छा ऐसे ही साफ करके रख रही हूँ। हाँ, इसमें वो है चावल है। चलो ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ फिर बाहर वो लोकेशन देखने के लिए, लोकेशन मीटअप के लिए। अच्छा तो ताहिरा सिस्टर का फोन आ रहा है बार बार। चलो ठीक है ठीक है। चलो पानी वाली बोतल ना चेंज होंगी, आज गाड़ी तो हमारी चमक रही है, वो ऐसे लग रहा है जैसे आज न्यू आई हुई वजह से, तो आज पूरी चमक गई है, धुल गई है ना पूरी छत पे नहीं मारा कपड़ा। ये जगह अब खाली हो गई है ना साइकिल की वजह से, अब देखो कितना खुला खुला लग रहा है यहाँ पे। और हमारा लहसुन भी बड़ा हो गया, इसको मंडी में दे देते हैं। लहसुन को मंडी में देते हैं। हवा कैसे प्यारी चली हुई है, ठंडी ठंडी। घर देखने जाना है? घर दिखाओगे?
हमारे घर से पानी आया है? नहीं, दूसरे से। अच्छा, आपको बताऊं आज इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतना प्यारा मौसम ना हमेशा के लिए, मैं तो कहती हूँ ऐसा ही मौसम रहे गर्मियों में पूरा, ना आज ठंड है और ना गर्मी, ऐसा ऐसी प्यारी प्यारी ठंडी हवा चली हुई है। कहीं आयु पार्क की लोकेशन तो नहीं है? हाँ देखो इतना प्यारा लिखा हुआ है, रास्ते में रवाना है। देखो मुझे लगता है कहीं तारा सिस्टर ने ना बाहर का कोई प्लान किया हुआ है, दोनों के बीच में सेंटर में, हाँ इस्लामाबाद और पिंडी के सेंटर में हम रखेंगे लोकेशन जो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप सबको आने में आसानी हो। पिंडी और इस्लामाबाद के सेंटर में रखेंगे, सब तक आ सके। यहाँ पे मैं लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, पंजाब के जितने भी एरिया, पहले सिंध वाली साइड पर था ना, तो सिंध वालों को मैंने बोला था, अब यहाँ पर इस साइड पर है। और भले कोई सिंध से भी आए, कोई जहाँ से भी आए, लेकिन ये वाला मेरा मीटअप है। अब ये पता नहीं नेक्स्ट मीटअप कब 2 मिलियन होंगे, कब मैं रखूँगी, लेकिन इस वाले मीटअप पे मैं सबको बुला रही हूँ, पूरे पाकिस्तान को बुला रही हूँ, पाकिस्तान से जो जो भी आना चाहे। तो ये स्पेशली है वैसे इस साइड के लिए, पंजाब, इस्लामाबाद, क्योंकि कराची में मैं करके आ चुकी हूँ, जिनको पास लगता है इस्लामाबाद तो वो सब जरूर आएंगे। पहले क्या सोच रही थी कि यहाँ पहाड़ों पर मीटअप करते हैं। ठीक, आप कैसी हैं? आए तई बार नहीं आई, फिर भी उनके लिए चीज लेकर आए, इंडोर में रखें। बारिश का चेक करना पड़ेगा क्या? हाँ, डेट का भी कंफर्म करना है ना, डेट आप बताएं। अच्छा, ये तो काफी खुला है और काफी बड़ा भी है, ये देखो इतनी प्यारी। एक तो हमने यहाँ पर देखा, ये देखो अंदर इंडोर का भी हम देख के जा रहे हैं, और अभी एक और जगह इंडोर की, तो ये जगह भी इतनी प्यारी लग रही है तायरा सिस्टर, है ना। हाँ, अभी एक और जगह देख लेते हैं, बारिश का खतरा, अगर हम आउटडोर का करते हैं तो हो सकता है फिर यहाँ पर बारिश का हो, बारिश ना हो जाए उस दिन और सारे सब्सक्राइबर हमारे भीग जाएं मीटअप में। हाँ ना। और जो सारे वीडियोस और सेल्फियां लेते हैं किसी का कैमरा ही ना खुल पाए, गीले हो जाएंगे। वो सही, अच्छा है। नहीं, वो जो इंडोर अभी हम देख कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा छोटा है, तो अब ये वाला देख रहे हैं, खुल गया, ये भी खुल गया, ये तो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो देखो अभी जो है ना हम दूसरी साइड पर आ गए, तो देखो इतना जितना ये वाला एरिया है ना, इतना दूसरी साइड भी है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे लगता है एक ही साइड काफी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। इधर ज्यादा लोग होंगे ना, पता है इधर ज्यादा होंगे, मुझे सब कह रहे थे कि कराची में ज्यादा थे, मगर ये अभी फाइनल नहीं हुआ। एक आउटडोर का इन्होंने हमें और बताया, हमने लोग थोड़ा ज्यादा बताए तो बोल रहे हैं कि आउटडोर ही कर ले, कभी बताइए इनका आउटडोर भी एक देख लेते हैं। किले ये वाला ज्यादा प्यारा नहीं लग रहा है यहाँ पे? अभी हम आए हैं कि ये दूसरा देखने के लिए, किसकी शादी की सजावट हुई हुई है, मायों मेहंदी का फंक्शन है और देखो हम आ गए। ये देखो ये स्टेज बना हुआ, ये तो बहुत प्यारा है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम ना यही वाला ही करा लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है अंदर की निस्बत, और दिन का कोशिश करेंगे कि दिन का ही हम करेंगे, दिन का कर लें ज़्यादा अच्छा। पता नहीं किसका स्टेज सजा हुआ है, मुझे सबसे ज़्यादा यही वाला ही अच्छा लगा है। हाँ। ये वाला सेटअप देखो, जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है कितना प्यारा लग रहा है ना, एक ही कलर की ना। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ना चिड़ियों की आवाज़ सुनो, और देखो अब बाकी सारी भी लाइटिंग ऑन होना शुरू हो गई। अभी ना यहाँ से हम डन करके ही जाएंगे, अंदर जा रहे हैं, बात करते हैं, डन करते हैं, और इसके साथ साथ आपको फिर मैं कन्फर्म। और यहाँ पर देखो बात करते अच्छा खासा, एक तो यहाँ पर रश भी था, बात करते एक टाइम लेते, एक दो जगह पर जो हम पहले गए थे ना वहाँ पर हमें, जिस दिन का मैं वीकेंड का सोच रही हूँ ताकि सब आसानी से भी आ सकें, यहाँ पे ना वो सब बुकिंग में, वो सारे वो वीकेंड के दिन सारे बुकिंग में पर हम आए, तो यहाँ पर टाइम का इशू हो रहा है। मतलब यहाँ पर दे रहे हैं 7 से 10 बजे तक, और मैं इनको बोल रही हूँ कि 3 बजे से मतलब 7-8 तक इतना, क्योंकि रात को तो इतना दूर दूर से कौन आएगा, कौन किसके पास क्या सवारी क्या नहीं है, कोई ऑटो पे, कोई बाइक पे, कोई कहाँ से, हर किसी के पास तो गाड़ियाँ नहीं होंगी। टाइमिंग का यहाँ पे इशू हो रहा है, और देखो अभी क्या बनता है। तायरा सिस्टर को लेट हो रहा था, उनको कहीं दावत पे जाना था, तो वो चली गई। ब्लॉग इस वजह से मेरा अभी लेट हो गया कि यहाँ पर नेट काम ही नहीं कर रहा। घर से मैं अपलोडिंग पे लगा कर आई थी, यहाँ पे मैं इधर उधर देखती रही हूँ ना सब, तो देखा ब्लॉग ही अपलोड नहीं हुआ, सॉरी लेट हो गए। अब निकलते हैं, देखो रात के टाइम पे कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये दे मुझे ना रात के टाइम पर रहें, ये है कि 2-3 बजे तकरीबन मिल जाए मुझे।
अब देखो क्या करते हैं। और देखो अभी हम जा रहे हैं वापस, इतने टाइम से आपने ये वाला व्यू ही नहीं देखा। ये देखो गाइस, पूरा इस्लामाबाद यहाँ से देखो। इस्लामाबाद या रावलपिंडी दोनों मिक्स है, हम बीच में ही रहते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के। देखो यहाँ के रोड कितने बड़े बड़े हैं ना। वहाँ पे हमें इतना लेट हो गया, अभी बच्चों का भी टाइम हो गया है, अभी इनको हम ट्यूशन से लेने के लिए आ गए। तो, देख रही है वहाँ से मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम आयत। ये क्या हो गया? आयत का बैग भी रखो पीछे। ये पकड़ो, ये तायरा सिस्टर ने तीनों के लिए चीज दी, एक एक थैला सबका है। मुसा स्ट्रॉ निकल गया, ये पकड़ो। आयत का भी रिजल्ट आ गया मुस्तफा का। इसके अंदर कुकी थी एक, आयत ने वो खा ली। अच्छा इसके अच्छा रिजल्ट भी देखो, इतना प्यारा बना कर देते हैं। यहाँ घर पे आते इतनी प्यारी खुशबू आ रही है पुलाव की, अम्मी ने पुलाव बनाया हुआ है। हाँ किसे किए? काम करके ये बनाया। आपने देखा आपकी बहन इतना अच्छा करती है। हाँ बोली अपने लिए बनाई, मेरे लिए नहीं बनाई। अम्मी क्या बना रही? पुलाव बना दिया। फिर खुशबू आ रही थी, अम्मी क्या बनाया? ये क्या बनाया? मीठे चावल बना रही। मीठे चावल बना रही है? हाँ अम्मी गुड़ वाले। वो सितारा को पसंद है। मेरे लिए अम्मी गुड़ वाले चावल चढ़ा। ये देखिए इसके लिए जो ये देखो, ये मुस्तफा आपके लिए भी पक रहे हैं। देखो आज अम्मा ने दोनों बच्चों की खोज ली, दोनों बच्चों की, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। गुड़ वाले चावल, गुड़ वाले चावल पक रहे हैं। अम्मा ये स्कूल वाली शर्ट है, बड़ी आज ली है ना। हाँ न्यू लेकर आयो आज? सही है। वो हाउस अभी बताया कि मेरा करेज है तो मैं जाके ले आया। पहले आपका ग्रीन था ना? इसका भी रेड है, इसका भी रेड, हमने ग्रीन ले रखी है। इसकी रेड ले ली है। इसकी भी रेड है, इसकी भी रेड है। इसकी टीचर ने कहा इसकी रेड ले। अरे आपके लिए और ये अम्मा का प्यार है मेरे लिए। हाँ जैसे आपके साथ भी हमेशा ऐसे ही रहेगा। हाँ। इसीलिए मैंने कहा वो तो जब आएगी ना देर हो जाएगी। हाँ। तो मैं बना। मैंने अम्मी को वैसे, मैं अम्मी को बोल के गई थी, अम्मी जब चावल साफ करी थी ना, मैंने कहा अम्मी आप रखना, मैं मसाले ले आऊंगी तो बनाऊंगी, फिर बनाऊंगी। मैंने कहा वो तो नहीं था चिकन, वो थोड़ा सा चिकन था, थोड़े से मटर थे, थोड़े से ऐसे ऐसे। हाँ मैंने कहा नहीं अम्मी मसाले ले आऊंगी तो बाद में बनाएंगे, तो अम्मी ने पीछे बना दिया। अम्मी इलायची और गुड़ सिर्फ बॉईल हो रहा है बस, थोड़ी सी मूंगफली डाली है, मूंगफली है, थोड़ी सी किशमिश डाली है। आते ही मैं भी अपने पाँव को थोड़ा सा रिलैक्स कर लू। आई थट जो आप नहीं रखना अभी। जब भी पापा का कोई सोते हुए इंसिडेंट होता है तो चाय के साथ ही होता है। पापा जब भी सोते हैं उनकी चाय से दुश्मनी हो जाती है। कल रात को पापा चाय रख के सो गए। आपकी चाय बनी है, ये ऊपर चले गए रूम में, ऊपर चाय हमने भिजवाई है, वहाँ पे कहते हैं अच्छा रख दो। वीडियो भी देख रहे हैं, किसी का व्लॉग देख रहे थे, और फिर वही जैसे मैं ऊपर गई हूँ तो चाय वहीं पड़ी हुई है, सो रहे हैं। और ये शुक्र है कि इस दफा हाथ मार के सो रहे थे। पिछली बारी कराची में पापा हाथ मार के उसके दर्द हुए थे, पूरा हाथ चाय के कप के अंदर था और कप यू नीचे हुआ था। कल पापा जुम्मा अपलोड करेंगे, जुम्मा में अपलोड करेंगे फिर जुम्मे का व्लॉग, और फिर वापस चले जाएंगे जुम्मा पढ़ने। एक जुम्मे को इनका व्लॉग बनना है, अगले जुम्मे को व्लॉग अपलोड करते हैं। तो अभी देखो एडिटिंग शुरू हो गई है। अभी तो एडिटिंग को सुलाया हुआ है। ओ इतना ज्यादा उसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, वो कोई बिजनेस मैन हो, चारपाई पे सो रहे हैं। आपकी हग्गी हग्गी आपके पापा का व्लॉग आने वाला है जुम्मे का। मुश्किल होते हैं, लेकिन जुम्मे का तो इनका पक्का है, तैयार होता है। जुम्मे को नाखून काटना, जुम्मे को नमाज पढ़ना सवाब है, जुम्मे को व्लॉग डालना सवाब होता है। जुम्मे के दिन व्लॉग डालना भी सवाब होता है। कारी साहब आ गए, बुरी बात, आप तो अच्छी बच्ची हो ना। नींद आ रही है इसको, उठा लूं। पढ़ लिए इसने? सुना लिए। चलो आ जाओ, पढ़ लिए पहले, फिर और जो सबक दिया ना वो नहीं इसने सुनाया। हाँ मैं कारी साहब को देना है। चिकन मटर वाला पुलाव तैयार हो गया और अम्मी निकाल रही है कारी साहब के लिए कि कारी साहब बैठे तो वो भी खाना खा के। गुड़ वाले चावल बहुत मजे के बने बेटा जी। कारी साहब को देख क्या, शाबाश। कारी साहब ने खा लिया, बच्चों ने कुरान पाक भी पढ़ लिए, तो बाहर रखती हूँ। पापा को ऊपर गया था बुलाना स्पेशली, हमेशा उनको खाने का कुछ दे के तो उनको नींद आ जाती ऊपर।
पर जाती सो जाए रात अम्मी चाय अम्मा नहीं एडिटिंग कर रही चाय दिए वहीं चाय साथ में रख के सो गए थे रात को भी। आप सबके घर में कौन मीठे का शौकीन है? तैबा तैबा को भी मीठा पसंद है मेरे जैसा। ये वाले तो खैर मैंने थोड़े से टेस्ट किए थे, ये बहुत मजे के बने। तैबा सो गई थी जब मैंने पालक पनीर बनाया था और आज क्या कर रही है? अम्मा अभी पंखा चला के आ गया था ऊपर उठ गया उन्होंने पंखा बंद कर दिया नीचे नहीं है लेकर नीचे आपको बुला रहे हैं खाने के लिए। क्या हुआ नीचे क्या इमरजेंसी लगी? हाँ जी चलो चलो तो चलो चलते हैं मीठे भी साथ में मिक्स डाल दो सबको मिक्स कर दो सबको मिक्स कर दो। आ गए शुक्र है आपको लगा शायद फिर से नींद आ गई है गुड़ वाले बहुत मजे के बने बस थोड़ा सा मीठे मिक्स कर दे तू आपको पता है 15 दिन तक रमजान का महीना शुरू होने जी और फिर हम सारे ऐसे वापस रोज रोज बैठा करेंगे। अम्मी मैं सोच रही इधर ही दस्तरखान इधर लगाओ ये टेबल हटा दे। कब मेरा दोस्त है वो कह रहा था मैं बुलाऊंगा इफ्तारी के लिए पहले जिसके मैं घर गया था ना एडवांस हो गई बुकिंग एक बुकिंग है पड़ी ठीक है फिर आप ही बुला लेना रमजान वाला लैंप भी उठाएगी। हाँ रमजान मुबारक पूरा महीना जैसे रोजा शुरू होता था कायम आपका लैंप अमीर जैसे रोजा शुरू होता था लैंप लेके यूं चलते हुए आ रही होती दस्तरखान पे वो भी पड़ा हुआ है और रमजान मुबारक की जो पीछे लाइटिंग है वो इधर कहीं लगाएंगे। अच्छा नोबिता नोबिता हमारे मीटअप पे चलेगा देखो खेल कैसे रहा है खेल कैसे रहा है मेरे दुपट्टे के साथ। नोबिता नोबिता मीटअप पे जाएगा नोबिता मीटअप करेगा सितारा यासीन के साथ मीटअप विद सितारा यासीन भी रेडियो के जाएगा नोबी तैयार होगा। हाँ नोबी तैयार होगा चलेगा इसको पैंपर लगा के ले जाना। हाँ मी पैंपर लगा के ले जाना। यहाँ पे बैठे थे अभी सबने खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर चाय पी बहुत सारी देर अम्मी के साथ बातें की हैं दोनों को इधर ही नींद आ गई पहले आयत सोई आयत तो कुरान पाक पढ़ते पढ़ते सो गई और मुस्तफा भी खाना खाने के बाद सो गया। मुस्तफा सोए रहे फिर तैबा को ऊपर सुला रहे तैबा चली गई ना रोज तैबा ना नीचे सोती अम्मी के साथ आज मुस्तफा को सोने देते हैं। तो चलो आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा पसंद है तो लाइक कर देना। आज हमारा पूरा दिन ना इसी में लोकेशन देखने में ही लग गया ताहिरा सिस्टर के साथ और फिर उनको लेट हो रहा था वो भी चली गई जगह देखा कर और कुछ जगह पसंद आ रही थी तो वहां पर मतलब वो था टाइम का इशू था जो जिस टाइम पर हमें चाहिए था और आगे बुकिंग थी जैसे वीकेंड के दिन होते हैं ना वीकेंड के दिन पे अभी शादियों का सीजन भी है तो ज्यादा बुकिंग ही चल रही थी तो एक हफ्ता सबके पास होना चाहिए कोई दूर से है कोई जहां से भी आना चाहता है मिलना चाहता है कोई भी मिस ना हो मैं सबसे मिलूंगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से मिलेंगे और बहुत अच्छा रहेगा हमारा ये वाला मीटअप भी जैसे कराची का रहा है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखना बाकी बातें कल करेंगे और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बाय बाय।